संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। गौरतलब है कि संसद के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा ऑल पार्टी मीट आयोजित करने की प्रथा रही है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पीएम मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देना गलत है। केजरीवाल को वर्ल्ड सिटीज समिट में आमंत्रित किया गया है, जहां उनकी योजना शासन के दिल्ली मॉडल पर चर्चा करने की है। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है। ये पीठ 20 जुलाई को मामले की सुनवाई कर सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मार्गेट अल्वा होंगी। विपक्षी दलों ने रविवार शाम उनके नाम की घोषणा कर दी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा, हम उनके नाम पर समर्थन जुटाने के लिए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से संपर्क में हैं। राष्ट्रपति चुनाव कल यानी 18 जुलाई 2022 को होना है। इससे पहले विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सभी विधायकों और सांसदों से संविधान और उन्हें विवेक के अनुसार मतदान करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोहराया कि इस साल राष्ट्रपति चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। मध्य प्रदेश में 36 नगर पालिकाओं के लिए हुई मतगणना में 31 पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस 4 नगर पालिकाओं पर सिमटती दिख रही है। बालाघाट जिले के वीरावासिनी में निर्दलीय सरकार बन रही है। ऐसा पहली बार है जब आम आदमी पार्टी की भी नगरीय निकायों में एंट्री हुई है। यूपी में पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर सीएम योगी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। सीएम योगी के एक और हिंसक घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने अफसरों को सीधे तौर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामला बिल्हौर में हुई हिंसक घटना का है। इसकी जानकारी जब योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने अफसरों से कहा कि उपद्रवियों को सबक सिखाया जाए। भूगर्भ जल सप्ताह के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के गांव-गांव भूजल संरक्षण की योजना को जन जन तक पहुंचाने और इसे जन आंदोलन बनाने की बड़ी तैयारी की है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान को गति देते हुए 5 कालिदास मार्ग से डिजिटल भूरथ फ्लैग ऑफ किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निःशुल्क प्रिकॉशन डोज अभियान का मुआयना किया। यूपी में इस अभियान की शुरुआत आज से लखनऊ में हुई। उल्लेखनीय कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने हाल ही में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त प्रिकॉशन डोज की घोषणा की थी। उनके लिए यह सुविधा 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक उपलब्ध रहेगी। मध्य प्रदेश में आज 44 जिलों में 133 नगरीय निकाय जिनमें से 11 नगर निगम 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में मतगणना हुई, जिसे लेकर 3 नगर निगम में बीजेपी ने जीत हासिल की है। भाजपा ने बुरहानपुर खंडवा और सतना में जीत दर्ज की है, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी को ट्वीट कर बधाई दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।